इनर ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ नॉर्मली अक्कर नियर द, कहाँ पे बनता है? इक्वेटर के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास, या फिर आपके आर्कटिक सर्कल के पास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्वेटर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताऊं आपको, देखो हमने पढ़ा था इस तरीके से, ये हमारे पास अर्थ है और आपका ये जो है इक्वेटर है, ऊपर आ जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो 23 डिग्री एंड हाफ के ऊपर टिल्टेड है अपने एक्सिस के ऊपर, तो जो सन की मूवमेंट है ना वो भी क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, वो हमेशा स्टेडी नहीं रहती, एक जगह नहीं रहती, मतलब इक्वेटर के ऊपर ही नहीं बनी रहती, वो इक्वेटर से लेके आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ बढ़ती रहती है। ठीक है, इनके बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो ये इस जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एक साल में जो आपकी सन की लाइट है या पोजिशन है, साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है और साल में एक बार वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ होती है। इन दोनों सिचुएशन को हम जियोग्राफिक टर्म में क्या बुलाते हैं? सोलिसिटस। सोलिस्टिक्स। गुड। और एक जो होता है हमारे साल में दो बार आपकी जो सन की लाइट है वो सीधी सीधी जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। गुड। तो ज्यादा गर्मी जो है या फिर ज्यादा इंसुलेशन जो है वो आपके इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर बन जाता है और ऊपर जो है इसके रिस्पेक्ट में आपका थोड़ा हाई प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से जो आपकी प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो आपके नीचे की तरफ इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, और ये वाला जो जोन होता है ना आपका बिल्कुल सेंटर वाला, इसको ही क्या बोल देते हैं हम? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन का मतलब ऊपर की जो हवा है वो नीचे आ रही है और ये सदर्न हेमिस्फीयर की हवा ऊपर जा रही है और इस वाले पोर्शन में जो वो विंड आपकी वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो ट्रॉपिक्स, और इस पूरे के पूरे रीजन को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिक्स रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में जो आपका इंटर कन्वर्जेंस जोन होता है उसी को बोला जाता है ITCZ और वो कहाँ पे बनता है? आपका इक्वेटर के ऊपर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, एल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर इन, जो आपका एल्बिडो इफेक्ट होता है वो कब ज्यादा होता है? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, इवनिंग में अर्ली मॉर्निंग ओनली, नून मतलब दोपहर के समय पे, या फिर सिर्फ और सिर्फ इवनिंग के समय पे? इसका आंसर है हमारे पास ए। ठीक है ना, क्यों है इसका आंसर ए? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, मैं आपको काफी बार क्लास में भी बता चुका हूं कि सुबह और शाम तक जो है हमारी जो सन की लाइट होती है ना वो अर्थ ऑब्जॉर्ब नहीं करती है, वो क्या करती है, मोस्टली रिफ्लेक्ट कर देती है। और अल्बिडो होता क्या है? अल्बिडो यही तो होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जो आपकी इंसोलेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने पढ़ाया था आपको कि जो आपके सन से आने वाली जो रेज होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, काफी फास्ट हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो होता है वो एटमोसफियर से क्रॉस कर पाता है। और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो क्या होती है आपकी, लॉन्ग वेव लेंथ, और जिसकी वजह से उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, तो वो क्या कर लेता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्प्शन क्या एल्बिडो होता है? नहीं, एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको हीट बजट पढ़ाया था, ठीक है ना, तो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे क्या होता है आपका, एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स रीजन ऑफ पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास? ध्यान से इस लाइन को पढ़ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, यहीं से आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु द्रव्यमान का एक स्रोत है? ये हमने एयर मासेस किए थे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्थ यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक, इस कोड में से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ से मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जो आप किस में यूज़ कर सकते हो आपके एग्जाम में, इसको बोलते हैं इलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है ना, इलिमिनेशन टेक्निक भी समझाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास, सबसे पहले के इसके बारे में पूछा हुआ है आपके पोल्स के बारे में, ये कीवर्ड आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस के ऊपर आ जाओ, मैं जूम इन कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका नॉर्थ यूरेशिया है ये आपको पता है कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका जो आर्कटिक ओशन है, सॉरी आर्कटिक वाला एरिया है आपका, कैनेडा वाला एरिया है, ठीक है ना, या फिर आपका ऊपर यूरोप और एशिया वाला रीजन है,
मेनली आपका यूरोप एशिया वाला, ठीक है, कनाडा वाला रीजन नहीं, तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, पोल्स के नजदीक पाया जाता है ना, तो ये हो सकता है आपका। अब दूसरा ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे पाया जाता है, ये क्या पोल्स के ऊपर पाया जाता है, नो नो सर, नहीं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंट हमें मिल गया कि यहाँ पे पोलर कॉन्टिनेंटल मतलब पोल्स के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया हमें पता लग गया कि ऑस्ट्रेलिया पोल्स के ऊपर नहीं पाया जाता। तो दो ऑप्शन को इलिमिनेट करके देखो यहाँ पे, कि दो ऑप्शन तो कहीं ना कहीं आंसर में नहीं होगा हमारे पास। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन, ये हट गया ए ऑप्शन, उसके बाद बी वाला भी हट गया क्योंकि यहाँ पे भी है, और डी भी हट गया। आपको कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको लॉजिक पता है ना, कि पोल्स के बारे में बात कर रहे हैं और आपका ऑस्ट्रेलिया तो पोल्स में आता ही नहीं है, तो सिर्फ इसी जानकारी से आप सीधा सीधा आंसर में पहुंच गए। ठीक है, तो सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। इन निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र की जलवायु का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। मतलब क्या पूछा हुआ है कि अगर क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं आता है, मतलब कौन सा फैक्टर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है, वेदर के बारे में बात नहीं हो रही है, याद रखना। वेदर इज डिफरेंट थिंग, वो शॉर्ट टाइम के लिए देखा जाता है, और क्लाइमेट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर, ठीक है। इसका जो है वो सीधा सीधा रिलेशन है कि सन के अराउंड जो है वो कितना टाइम लेती है रिवॉल्व करने के लिए अर्थ, और उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं टाइम में और डेट में, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं वेदर से हम कहीं ना वो आपको एसोसिएशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन हम बात करें अगर लैटिट्यूड की, तो उसमें क्या होता है, आपको बताया मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, जो सन की लाइट्स होती है वो सीधी सीधी या तो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के कैंसर के ऊपर पड़ेंगी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ेंगी। इसके बाद में जो है मतलब पोल्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसकी जो एंगल है ना सनलाइट का, वो क्या हो जाएगा आपका, टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, किसी ना किसी स्लांट या फिर किसी ना किसी एंगल के ऊपर सन की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आपका क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास नहीं होगा इसका मतलब, तो लैटिट्यूड जो वो वेदर वो आपका बताता है कि क्लाइमेट किस तरीके से वेरी करेगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। ये तो हमें पता ही है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, दिल्ली वाला रीजन जो है वो सी से ज़्यादा दूर है और महाराष्ट्र वाला रीजन जो है वो सी के ज़्यादा पास है। तो ये इन दोनों के क्लाइमेट में भी हमें क्या है, डिफर देखने को मिलता है। और एल्टीट्यूड सबसे बेस्ट हिमाचल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शिवालिक एरिया में किसी और तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है ना, जो आपका ड्राई टाइप का या फिर आपका ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होता है। अगर हम थोड़ा सा हाई हिली एरिया में चले जाएँ, मिडल आपके हिमालय में चले जाए, तो वहाँ पे टेम्परेट टाइप का, और अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे ग्रेटर हिमालय की तरफ चले जाएं तो फ्रीजिड टाइप का या फिर पोलर टाइप का क्लाइमेट वहाँ पे मिलता है। तो एल्टीट्यूड की वजह से भी क्लाइमेट आपका चेंज होता है। तो राइट आंसर इज बी, लॉन्गिट्यूड। मुझे तो ठीक है, थैंक यू सो मच।